हमको फिर से एक और मौका दिया है। मैं उस प्रभु की करुणा के लिए प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। आइए प्रभु का वचन खोलकर आज प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं इसको देखें। उसके लिए नए नियम में मरकुस रचित शुभ संदेश का 11वां अध्याय खोल ले। मार्क्स गॉस्पल चैप्टर 11 मरकुस रचित सुषमाचार के 11वें अध्याय में एक बहुत ही आश्चर्य से भर देने वाली घटना हम देखते हैं। वहां लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब वे मीन्स प्रभु यीशु और प्रभु के सारे शिष्य बैतनिया से निकले तो प्रभु को भूख लगी। दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर प्रभु उसके निकट गए कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ नहीं पाया। इस पर प्रभु ने उस पेड़ से कहा, अब से तेरा फल कभी भी कोई भी ना खाए। प्रभु के चेले इस बात को सुन रहे थे। प्रभु यीशु जल्दी नाराज नहीं होते थे, लेकिन प्रभु के जीवन को, 3.5 साल के जीवन को प्रभु के 4 शिष्यों ने 4 अलग अलग ग्रंथों में जो लिखा है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर प्रभु नाराज भी होते थे। आज एक ऐसी घटना हम पढ़ते हैं जहां प्रभु ने एक पेड़ देखा, प्रभु को भूख लग रही थी और इस कारण प्रभु उसके पास गए, उस पेड़ के पास गए और उसमें कोई फल नहीं था और इस कारण प्रभु उस पेड़ से कोपित हो गए और अपने कोप में, क्रोध में प्रभु ने उस पेड़ से कहा, आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। प्रभु के सारे शिष्य इस बात को सुन रहे थे। प्रभु के 2 शिष्यों ने इस घटना को अपनी बुक्स में लिखा है। इसके पहले मत्ती नामक पुस्तक के 21वें अध्याय में यही घटना हमको मिलती है, लेकिन ज़्यादा डिटेल यहाँ मरकुस में मिलता है। इस कारण मैंने सोचा कि हम मरकुस से इस घटना को देखेंगे। तो खत्म हो गया, देखिए वो जो पोर्शन है मरकुस में वो यहाँ समाप्त हो जाता है कि कभी तेरा फल कोई ना खाए और चेले इस बात को सुन रहे थे। उसके बाद मरकुस की पुस्तक में अगली घटना हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु यहूदियों के मंदिर में गए और यहूदियों के मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ प्रभु की आराधना के बदले वहाँ तो लूट चल रही थी, डकैती हो रही थी। मतलब जो मंदिर के चलाने वाले लोग थे वे लोग मंदिर को लोगों को ईश्वर के पास ले जाने के बदले मंदिर को लूट का सहारा उन्होंने या लूट का रास्ता बना लिया था। यहूदियों का ये जो देवालय था ये पहली बार इससे लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था। आपने महान बादशाह सुलेमान का नाम सुना होगा। इस मंदिर को या इस देवालय को पहली बार सुलेमान ने बनाया था। उसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात ऐसे जड़ दिए गए थे कि लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। उसके बाद उसमें हीरे और चांदी और जो सोना लगा हुआ है उसको काफ़ी लोग लूट के ले गए, वो फिर से बनाया गया। लेकिन वो 401 साल में फिर से बर्बाद हो गया। उसके बाद लगभग 46 सालों का समय लेकर उस समय के बादशाह ने ये मंदिर फिर से बनवाया था। सुलेमान के समय से लेकर
प्रभु यीशु का समय 1000 साल यहूदियों के मंदिर का एकमात्र लक्ष्य यह था कि मनुष्य ईश्वर के पास पहुंचे और ईश्वर मनुष्य के साथ बातचीत कर सके और संगति कर सके। ईश्वर और मनुष्यों के आपस में मिलने और संगति के लिए ये देवालय या ये मंदिर बनाया गया था और उसमें प्रभु ने बहुत सारे याजक, महायाजक और उसके अलावा तमाम तरह के सेवक, अलग अलग प्रकार की सेवा करने के लिए सेवक प्रभु ने नियुक्त किए थे। और जैसा प्रभु ने नियुक्त किया था उसके अनुसार वहाँ पर सब लोग थे, सेवक थे, याजक लोग थे, महायाजक थे। लेकिन प्रभु ने जब जाकर मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या तमाशा देखा कि जिन लोगों के हाथ में उस मंदिर का नियंत्रण है वे लोग इस मंदिर को मनुष्य और ईश्वर के बीच में संगति के बदले लूट का जरिया बना लिया है। इसके पहले भी मैं इसके बारे में एक और संदेश में इशारा कर चुका हूँ कि जब वे लोग मंदिर में आते थे तो जानवर, पक्षी या अन्य भोजन वस्तुएं खरीद कर ईश्वर को भेंट करने के लिए याजकों को देते थे। लेकिन इन याजकों और महायाजकों ने क्या तमाशा कर रखा था कि तुम आए हो हजारों किलोमीटर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चल के या गधे पे आए हो, यहाँ जो चीज़ें भेंट करनी है उसको तुम वहाँ से तो ला नहीं सकते, इसलिए यहाँ से खरीदना होगा। लेकिन एक शर्त, यहूदियों के सारे प्रदेश में जो पैसा चलता है वो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ हमारा बनाया हुआ मंदिर का पैसा चलेगा। और मंदिर का पैसा कैसे? नॉर्मल पैसे से आपको खरीदना पड़ेगा। तो आप नॉर्मल पैसा दे रहे हैं 100, तो मंदिर का पैसा आपको मिलेगा 80। और यदि नॉर्मल पैसे 100 से एक जानवर आ जाता है तो नॉर्मल के बदले आपको 80 मिले हैं, उससे एक जानवर आ जाना चाहिए? नहीं, उसके लिए मंदिर का 100 देना पड़ेगा या 150 देना पड़ेगा। लूट, खुली लूट उन लोगों ने मचा रखी थी। इतना ही नहीं, यह पैसा उनके किसी काम का नहीं था। मंदिर को छोड़कर वापस जाते समय यदि उनके पास कुछ पैसा बचा रहता था तो वो जाकर फिर से बदलना पड़ता था। तो आपको याद है मैंने बताया था 100 दिया तो 80 मिलते थे, वापस जाते समय आप 80 उनको देंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए? 100 मिलना चाहिए। 100 नहीं देते थे, उसके बदले सिर्फ 80 देते थे। मतलब आते समय लूट, जानवर खरीदते समय लूट, जाते समय लूट। और ये कौन करता था? ये मंदिर के जो पुरोहित थे, जो याजक लोग थे, इन लोगों ने अपने चेले चपाटे लोगों को सर्राफ बनाकर वहां पर रखा था। ये सर्राफ लोग ये लेन देन का काम करते थे, लेते में लूट, देते में लूट, हर तरह से लूट, और ये सारे लूट का प्रॉफिट ये जो याजक है इनको जाता था। प्रभु ने जब ये देखा तो प्रभु बहुत बुरी तरह से कोपित हो गए। उन्होंने कहा, मेरे पिता का भवन इसको तुम लोगों ने डाकुओं की गुफा बना दी है। प्रभु बहुत स्ट्रांग थे। प्रभु ने क्या किया कि वहाँ कहीं से रस्सी ली, उसका हंटर बनाया और सारे जानवरों को वहाँ से भगा दिया। और इतना ही नहीं, प्रभु ने वहाँ जितने लोग सर्राफ लोग बैठ के धंधा कर रहे थे उन सब के टेबल उलट दिए, कहा कि भाग जाओ यहाँ से, ये मेरे पिता का घर है। इस तरह से प्रभु ने ईश्वर के भवन का एक बहुत बड़ा शुद्धिकरण किया। ऑफ कोर्स प्रभु ने जो शुद्धिकरण किया तो वहाँ जो याजक और महायाजक थे उनका धंधा चौपट हो गया। और धंधा चौपट हो गया तो उन्होंने कहा कि इस आदमी को ख़त्म किए बिना अपना काम नहीं चलेगा। और इसलिए उन लोगों ने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि धोखे से प्रभु यीशु को पकड़वा कर प्रभु को समाप्त कर देना है, जिससे कि हमारा धंधा चलता रहे। जरा जरा सोच कर देखें, इस घटना में
जो शॉकिंग बात है कि इस सारे विश्व के सृष्टिकर्ता जब मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए, तो वह मंदिर जहां पर मनुष्य ईश्वर के साथ आपसी संबंध में रहता है, उस मंदिर में जब वो गए तो उसके याजक और महायाजक लोग धंधा चौपट होते देखकर इतने नाराज हो गए कि संसार के सृष्टा की ही हत्या करने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया। आप कहेंगे शायद उनको ये बात पता ना चली हो कि प्रभु यीशु सृष्टि करता है। कमाल की बात आप करते हैं, प्रभु यीशु का जो प्रभु का जीवन था, प्रभु ने अपने जीवन में जो किया था उसको कोई देख ले तो अंधा भी पहचान जाएगा कि यह इस जगत के सृष्टा है। मेरे बहुत सारे गैर मसीही लोग अक्सर मुझे प्रभु यीशु के बारे में लिखते हैं। मैंने पिछले दिनों प्रभु यीशु की जीवनी 2-3 अध्याय लिख के जब फेसबुक पर पोस्ट किया तो मेरे कई गैर मसीही लोगों ने लिखा, परमात्मा ईसा, सृष्टिकर्ता ईसा, उनके बारे में आपने जो लिखा है पढ़कर अच्छा लगा। देखिए उन लोगों ने कौन सा शब्द यूज किया, परमात्मा, सृष्टिकर्ता, प्रभु। प्रभु ने जो कार्य किया था उससे 2000 साल बाद प्रभु के कार्यों में से थोड़े से कार्यों के बारे में मैंने लिखा और पढ़कर इवन गैर मसीही लोग समझ गए कि प्रभु यीशु इस संसार के सृष्टा है, जगत के सृष्टा है। तो जो लोग प्रभु को आमने सामने देखते थे वो लोग बड़े आराम से इस बात को पहचान सकते थे कि ये इस जगत के सृष्टा प्रभु यीशु हैं। लेकिन जिन लोगों को ये पहचानना चाहिए था और जिन लोगों को ईश्वर ने स्वयं नियुक्त किया था कि मनुष्य को उसके सृष्टिकर्ता के पास ले जाएं, उनको दिलचस्पी ईश्वर में कम धंधे में ज़्यादा दिलचस्पी थी। इस कारण उन्होंने डिसाइड किया कि प्रभु यीशु की हत्या धोखे से करनी है। ये हो गया बैकग्राउंड। 20वें पद में देखते हैं, अगले दिन की चर्चा हो रही है 20वें पद में। अगले दिन सुबह जब वे उधर से जा रहे थे, कौन, प्रभु और प्रभु के शिष्य, तो उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। प्रभु के शिष्यों में एक शिष्य थे पतरस, जो बहुत ही ओवर एक्टिव थे। तो इस सूखे पेड़ को देखकर पतरस ने उसको देखा, पतरस को यह बात स्मरण आई और पतरस ने प्रभु से कहा, हे रबी, मतलब हे गुरु, देखिए वो अंजीर का पेड़ जिन्होंने, जिसको आपने शाप दिया था, वो सूख गया है। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जाके गिर जा, और यदि अपने मन में शक ना करे तो ऐसा ही होगा। यही घटना मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं तो वहां एक वाक्य और जोड़ दिया गया है। वहां ये लिखा हुआ है कि ये फल का मौसम नहीं था। जब आप इन दोनों घटनाओं को कंपेयर करके देखते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि प्रभु यीशु जो उसी देश में पैदा हुए थे, उनको उस देश की अच्छी जानकारी थी, और जो 30 साल अपने माँ बाप के साथ रहे थे और जिन्होंने बड़ाई का काम किया था, स्वाभाविकतः यहूदियों के जीवन में अंजीर का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिस तरह से केरल में नारियल के पेड़ का महत्व है। आप सब केरल की बात यह है कि आप रात को सपना देखेंगे तो उसमें भी नारियल आएगा। उसी तरह से यहूदियों के जीवन में अंजीर, सोते बैठते जागते हर जगह अंजीर होता था, और प्रभु जो समाज में पैदा हुए थे, पले थे, उनको मालूम था कि ये फल का सीजन नहीं है। तो दो प्रश्न हमारे मन में आते हैं,
पहला प्रश्न ये कि यदि अंजीर के फल का सीजन नहीं था, मौसम नहीं था, प्रभु फल देखने के लिए क्यों गए? दूसरी बात, यदि फल का सीजन नहीं था तो यदि अंजीर में फल नहीं थे तो फिर उस अंजीर को सजा क्यों दी, उसको शाप क्यों दिया? स्वाभाविकता ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। इसका जवाब प्रभु के वचन में ही दिया हुआ है। 13वें पद में हम देखते हैं, दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर प्रभु उसके पास गए। जब मैंने पहली बार ये पद पढ़ा था तब आपने नोट किया होगा कि दूर से एक पेड़ देखकर प्रभु उसके पास गए। आप में से किसी ने ये नोट किया क्या कि यहाँ स्पेशली विशेष रूप से लिखा हुआ है कि एक हरा पेड़ देखकर उसके पास गए। अपन जब किसी पेड़ के बारे में बोलते हैं तो नॉर्मली ये बोलते हैं कि नीम चाहिए था, नीम का पेड़ देख के उसके पास चले गए। तो अंजीर चाहिए था, अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास चले गए। क्यों इस घटना को लिखने वाले शिष्य ने ऐसा लिखा कि अंजीर का हरा पेड़ देखकर अंजीर के पास गए, इसके पीछे कारण था। उस प्रदेश में अंजीर का पेड़ साल में दो बार फल देता था। पहली बार जब वो पूरी तरह से फलों से भरा रहता था, जब वो फल तोड़ लिए जाते थे तो उसके साथ लगभग सारे पत्ते भी मुरझा जाते थे या टूटकर गिर जाते थे। लेकिन उस देश में कुछ अंजीर के पेड़ ऐसे थे जो मुख्य फसल देने के बाद और मुख्य जो फसल के साथ जो पत्ते वगैरह थे उनके मुरझाने के बाद दोबारा फसल देते थे। पहले फसल के बराबर नहीं होता था। पहली बार यदि पेड़ में 10,000 अंजीर लगते थे तो दूसरी बार 1,000 या 500 ही लगते थे। तो दूसरी बार पेड़ में फल लगा है, इसका लक्षण क्या था? लक्षण यह था कि उसमें हरे भरे पत्ते फिर से आ जाते थे। तो अंजीर का सीजन नहीं था, लेकिन गैर मौसम में उस पर फल लगे हैं यह प्रदर्शित करने के लिए वो पेड़ हरा हो गया था। आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि आज से 10-20 साल तक पहले तक आम सिर्फ आम के मौसम में मिलता था। आजकल स्थिति यह है कि आम का मौसम खत्म हो गया, उसके बाद भी केरल में आम आ रहा है तमिलनाडु से। एक और मजे की बात यह है कि जब ये आम का फल खत्म हो जाएगा उसके बाद आम का सीजन नहीं होगा, लेकिन कच्ची कैरियां केरल में आती रहेंगी जिससे कि चटनी बनती है। हर देश प्रदेश में इस तरह के पेड़ होते हैं जो समय असमय फल देते हैं। प्रभु को भूख लगी, प्रभु ने उस अंजीर को देखा, अंजीर में हरे पत्ते लगे हुए थे जो इस बात का लक्षण था कि उसमें सेकंड राउंड फल आ गया है। सेकंड राउंड फल आ गया है यह सोचकर प्रभु उस पेड़ के पास गए, तब पता चला कि ये हरे पत्ते तो नाटक थे, यथार्थ में कोई फल नहीं लगा था। मतलब फल, असमय फल आने का लक्षण उसने बाहर से दिखाया लेकिन उस पेड़ में फल नहीं थे। इस कारण प्रभु ने उस पेड़ को शाप दिया कि तू नाटक कर रहा है, तुम इस गैर सीजन में हरे भरे पत्ते तुम में लगे हैं जो इस बात का लक्षण है कि तुम में गैर सीजन में फल लगा है लेकिन फल नहीं है, दिखावा ही दिखावा है। इसलिए प्रभु ने उस पेड़ को शाप दिया। ये दोनों घटनाएं आसपास जो हुई
ये शिष्यों के लिए एक बहुत बड़ा पाठ था। पेड़ देखा, उसमें फल होना चाहिए, फल नहीं था। प्रभु ने उससे कहा तुझ में कभी कोई फल ना लगे, वो पेड़ सूख गया। एग्जैक्टली यही कार्य मंदिर में हो रहा था। प्रभु ने उन लोगों को इसलिए मंदिर में रखा था कि वे जनता की सेवा करें और जनता को प्रभु के पास ले जाएं। लेकिन जनता को प्रभु के पास ले जाने के बदले वो जनता को लूट रहे थे। इस पेड़ में और उस मंदिर के पुजारियों में कोई फर्क नहीं था। ये पेड़ ये दिखावा कर रहा था कि मुझ में फल लगा हुआ है। उसी तरह से यहूदियों के मंदिर में जो पुजारी लोग थे, जो याजक लोग थे, वो वहां पर बड़ा ड्रामा कर रहे थे, लेकिन वो जनता को प्रभु के पास नहीं ले जा रहे थे। जनता को चूस कर, निचोड़ कर अपनी जेब भर रहे थे। और प्रभु चाहते थे कि उनके शिष्य इस बात को समझें। आत्मिक जीवन में नाटक करोगे, ड्रामा करोगे, थोड़े दिन तक तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो, थोड़े दिन के लिए दूसरों को धोखा दे सकते हो, लेकिन ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, और उसका रिजल्ट होगा। यह था उस पेड़ के साथ जो घटना हुई उसका एक्चुअल अर्थ। और ऐसा ही हुआ। लगभग एडी मतलब ईसवी 33 के आसपास ये घटना हुई थी। और जब उन लोगों के वहाँ जितने पुजारी लोग थे उनके पाप का घड़ा जब भर गया, तो ईसवी 70 में टाइटस नाम का एक रोमी सेनापति आया और उसने उस मंदिर को ऐसा तोड़ दिया। कहते हैं कि दो पत्थर एक दूसरे से जुड़े ना रहे। जब मकान तोड़ दिया जाता है तो दो दो तीन तीन सीमेंट से जुड़े हुए ईंट गिरते हैं, फिर अपन उसमें से ईंटों को अलग करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये टाइटस यहूदियों के मंदिर के विरोध में इतना क्रोध से भरा हुआ था कि उसने उस मंदिर में जितने सोने चांदी और हीरे और बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए थे उन सबको खींच कर ले जाने के लिए हर पत्थर को दूसरे पत्थर से अलग कर दिया था। प्रभु ने एग्जैक्टली ये बात कही थी। एक और जगह जब लोग प्रभु से कह रहे थे कि प्रभु देखिए क्या मंदिर है, किससे बात कर रहे हैं, इस संसार के सृष्टा से बात कर रहे हैं, जिनसे संगति के लिए लोग उस मंदिर में जाते हैं उनको मंदिर के बारे में दिखा रहे हैं। प्रभु ने उस दिन कहा था देखो ऐसा समय आने वाला है जब ये मंदिर इस तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा कि दो पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए ना रहेंगे। एडी 70 में ऐसा ही हुआ। आज प्रभु ने अंजीर के साथ जो किया वो बाद में मंदिर में प्रभु ने जो किया, और उसके लगभग 35-36 साल के बाद मंदिर के साथ जो हुआ, ये सब एक ही बात को दिखाता है। और वो ये है, पेड़ में प्रदर्शन के साथ साथ फल जरूरी है। उसी तरह से आत्मिक जीवन में यदि हम आत्मिक होने का दावा करते हैं, यदि हम क्लेम करते हैं कि हम आत्मिक हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ होना चाहिए। आत्मिकता का नाटक कोई भी कर सकता है। अच्छी सी प्रार्थना सुन के याद करके उसको बड़े आराम से आप चर्च में दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। यही तो नाटक का रहस्य है। पिक्चर में क्या होता है, सीरियल में क्या होता है, उनको जो वाक्य दिए जाते हैं उन वाक्यों को रटकर वो ऐसा अभिनय करते हैं कि देखने वाले को लगता है कि अरे ये तो यथार्थ है। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है। आत्मिक लोगों की संगति में रहने के बाद, आत्मिक लोग जो कार्य करते हैं उसको देखने के बाद, हम भी उनकी हूबहू नकल उतार सकते हैं। बल्कि कई बार जो नकल उतारता है वो असल से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एक बार की बात है, एक आदमी
जो कुत्ते के भौंकने की नकल करता था, उसने लोगों को चैलेंज किया कि तुम सब अपने कुत्ते को मेरे पास छोड़ो, कुत्ते को भौंकने दो, मैं भौंकूंगा और तुम बताओ कि इसमें कुत्ता कौन भौंका या कौन सा भौंकना कुत्ते का था। तो उन लोगों ने कुत्तों में से जो सबसे शक्तिशाली था उसको चूज करके कहा कि आप पर्दे के पीछे खड़े हो जाइए और ये कुत्ता भौंके, आप भौंके और हम बताएंगे कि कौन भौंक रहा था, क्योंकि कोई भी मनुष्य जानवर की बराबरी नहीं कर सकता। वो बोला मैं कर सकता हूँ। बोले नहीं कर सकते, हम पहचान जाएंगे कि ये तुमने भौंका है, ये तुम्हारे मुंह से आवाज आई है। ठीक है, उसने कहा। तो वहाँ नंबर वन भौंकने की आवाज आई, नंबर टू भौंकने की आवाज आई। तो लोगों ने लिखा कि पहली बार आदमी भौंका, दूसरी बार कुत्ता भौंका, उसके बाद फिर बोलो, मतलब हर बार क्रम चेंज करते जा रहे थे। 10 बार भौंकने की आवाज आई, मतलब 10 बार और 10 बार सब लोगों ने लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा बोलिए। एक जज अंदर भी बैठा था जो देखता जा रहा था कि ये कौन भौंक रहा है। और जब लोगों का जो सुन के जिन लोगों ने हिसाब लगाया था उससे टैली किया गया तो पता चला कि 100% जब कुत्ता भौंक रहा था तो उन्होंने लिखा कि आदमी भौंक रहा है, और जब आदमी भौंक रहा था तब उन्होंने लिखा कि असली कुत्ता भौंक रहा है। कई बार नकल इतना ज्यादा अच्छा हो सकता है कि असली से भी ज्यादा असली हो। दूसरे व्यक्ति का जीवन, आत्मिक जीवन देखकर उसके प्रार्थना की नकल, उसके संदेश की नकल, वो दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में जो शुभ संदेश सुनाता है उसकी नकल, वो इतने अच्छी तरह से की जा सकती है कि वो असल से भी ज़्यादा असल लगने लगे। लेकिन प्रभु के हिसाब से वो जो असल नहीं है लेकिन जो असल से भी ज़्यादा असल लग रहा है, वो अंजीर का पेड़ है जिसमें हरे भरे पत्ते लगे हैं, जो इस बात का लक्षण दे रहा है कि मुझ में फल है। लेकिन जब स्वामी ने आके देखा तो पता चला कि वहां कुछ भी नहीं है। आत्मिक जीवन के बारे में प्रभु मुझे और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि प्रभु मुझ में और आप में नाटक नहीं चाहते हैं, प्रदर्शन नहीं चाहते हैं, यथार्थ सच्चाई चाहते हैं। वो सच्चाई प्रभु मेरे और आपके जीवन में देखना चाहते हैं। ये जो हमने भाग पढ़ा है इसके आधार पर मैं यहाँ जितने भाई और बहन प्रभु की वाणी सुन रहे हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, आप प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आपके अंदर से आनी चाहिए, और अंदर से प्रार्थना तभी आएगी जब आप नियमित रूप से प्रभु की उपस्थिति में बैठने की आदत डालें। प्रार्थना मोनो एक्टिंग नहीं है, ये कोई टीवी या फिल्म में एक्टिंग नहीं है। प्रार्थना प्रभु के साथ मेरा, आपका और प्रभु का आपसी संबंध है। आपसी संबंध क्षण भर में नहीं आता है, आपसी संबंध जो है वो क्षण भर में स्टार्ट होता है, अगले क्षण उसके अगले क्षण, अगले दिन उसके अगले दिन, इस तरह से लंबे दौरान तक चलता है, तब आपसी संबंध स्थापित होते हैं। मैंने अपने जीवन में एक विशेष बात देखी है। कई बार जब लोग कहते हैं कि शास्त्री सर ने ऐसा कहा था, मतलब कोई गलत बात, तो जो लोग मुझे ज़्यादा नहीं, अच्छी तरह से नहीं जानते, उनका एकदम से रिस्पॉन्स, उनका जवाब होता है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो लोग मुझे थोड़ा और अच्छी तरह से जानते हैं वो कहते हैं अपन पूछ के देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था क्या, और जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनका क्या जवाब होता है, नहीं उनके मुंह से, उनकी जुबान से इस तरह की बोली कभी नहीं आ सकती, तुम जाके पूछ के देखो, तुमको पता चल जाएगा कि यह गलत बात है। वो तीसरी पार्टी क्यों मेरे बारे में इतने यकीन के साथ बोल रहा है, इसलिए कि
महीनों महीनों सालों सालों के संबंध के बाद उसके मेरे आपसी संबंध इतने घने हैं कि वो दिल से मुझे पहचानता है। जो ये कहता है कि चलो पूछ के देखते हैं, वो उतना नहीं पहचानता, लेकिन इतना पहचानता है कि उसको लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं। और जो ये कहता है कि शास्त्री सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो मुझे नहीं जानता है। ये है फर्क। प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन बैठना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, मन की सारी वेदनाएं सारे दर्द प्रभु के सामने उंडेलना जरूरी है। प्रभु ने जो मेरे और आपके जीवन में किया है उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और वो शुक्रिया प्रभु के सामने अर्पित करना जरूरी। इस तरह से प्रभु के साथ जब हम समय बिताएंगे तब हमारी प्रार्थना प्राइवेट में हम जो करेंगे और पब्लिक में जो करेंगे वो प्रार्थना असली होगी। उसी तरह से एक मसीही के जीवन में और भी बहुत सारी बातें हैं। प्रभु का वचन है, प्रभु के वचन से दूसरों को बताना है। ये सब असल तब होगा जब हम इन चीजों के साथ समय बिताएंगे। समय बिताए बिना कर सकते हैं कि हाँ हाँ कर सकते हैं, किया जा सकता है। मैं एक भाई को जानता हूं जो प्रचारक थे। वो और पत्नी जाकर कहीं मीटिंग्स लेते थे, पत्नी गाती थी, भाई प्रचार करते थे, संदेश देते थे। लोग इस भाई के संदेश को सुनकर रो रो कर प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते थे। 10 साल के बाद वो भाई एक दिन बैठकर अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचने लगे। तब उनको समझ में आया कि मैं पिछले 10 साल से लोगों को प्रभु के पास ला रहा हूं, लेकिन मेरा ही उद्धार नहीं हुआ है, मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया। तब उन्होंने वहां घुटने टेक कर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। कई बार नकली चीज असली से भी ज्यादा असली हो सकती है। पिछले 10 साल इस भाई के साथ ऐसा हो रहा था। आज मेरे और आपके लिए प्रभु के वचन से प्रभु की वाणी यह है, नंबर वन, कि मैं और आप अपने जीवन को जांच कर देखें कि मेरे और आपके जीवन में जो प्रार्थना है, प्रभु के वचन के प्रति जो प्रेम है, प्रभु के बारे में हम जो दूसरों को सुनाते हैं वो असली है या नकली है। वो कहीं उस पत्ते के समान तो नहीं है जो इस बात को चीख चीख कर बता रहा था कि मुझ में फल लगे हैं लेकिन वहां कोई फल नहीं था। मेरा और आपका जीवन इस तरह का जीवन है क्या? मेरा और आपका प्रार्थना जीवन, मेरे और आपका आपकी बाइबल रीडिंग, मैं और आप जो प्रभु के बारे में दूसरों से 4 वाक्य बोलते हैं, तब इस तरह नकली है या असली है? यह पहला प्रश्न मुझे और आपको अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरी बात हमको याद रखना चाहिए कि जो असल चीज है, जो उसकी नकल करता है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो आदमी स्टेज पर जाकर बादशाह के समान जो एक्टिंग करता है, सर पे मुकुट है, हट्टा कट्टा शरीर है, बहुत ब्यूटीफुल लबादा पहने हुए है, और जब वो स्टेज पर खड़े होकर जब पूछता है मंत्री मेरी आज्ञा का पालन किया, तो मंत्री कांपते हुए बोलता है कि महाराज मेरी जान बख्श दे। स्टेज से जब नीचे उतर जाते हैं तो मंत्री बादशाह से कहता है कि अरे कल्लू, आज तो तेरा अभिनय बहुत अच्छा था। सी, नाटक नाटक है, रियलिटी रियलिटी है। नाटक में वो बादशाह इसलिए बना कि वो शरीर से हट्टा कट्टा था, बड़ा था, नीचे उतर गया तो वो सबसे जूनियर था। आत्मिक जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि हम खूब ड्रामा करें लेकिन ड्रामा का नाटक का वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं होता है। तो आज पहला प्रश्न जो प्रभु के वचन के संदर्भ में मैं सबसे पूछना चाहता हूं वो यह है कि आपका आत्मिक जीवन यथार्थ है, असली है या दिखावा है? ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं, ये सोचना मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं।
दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है, प्रभु के वचन को आपने सुन लिया क्या? आत्मिक जीवन में जो बातें हैं वो यथार्थ ही होना चाहिए, नकल नहीं। यदि नकली हो, दो दिन या चार दिन ऐसा चलने प्रभु देंगे ताकि हम उसको छोड़कर सही रास्ते पर चले, नहीं तो प्रभु हमको सजा देंगे। आत्मिक जीवन कॉपी करने या नाटक की बात नहीं है, उसकी रियलिटी यथार्थ हमारे जीवन में होना चाहिए। तीसरी बात जो मैं सभी भाई और बहनों से पूछना चाहता हूं वो ये है कि हम आत्मिक जीवन आत्मिक जीवन आत्मिक जीवन आदि की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने आत्मिक जीवन पाया है? क्या आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है? आत्मिक जीवन तो तब चालू होता है जब कोई व्यक्ति प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है। शुरू के दो प्रश्न मैंने उन लोगों से पूछे थे इस सभा में जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है, लेकिन ये तीसरा प्रश्न मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रिय भाई, यदि ग्रहण नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? आप क्या बहाना प्रभु के सामने दे सकते हैं कि प्रभु आपने मेरे लिए सब कुछ किया लेकिन मैंने आपको ग्रहण नहीं किया है? आप पूछेंगे, शास्त्री सर, ये नया जीवन आप किस बात की बात कर रहे हैं? चार वाक्यों में मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मनुष्य पापी है, वो अपना बचाव नहीं कर सकता है। प्रभु ने पापियों के लिए अपना जीवन दिया। जो व्यक्ति उस प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानता है उसको वो नया जीवन दिया जाता है। चार वाक्य में यह है सारांश। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत गहरी बात है, चार वाक्य में हम पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने जानकर ही ये बोला है, मैं नहीं सोचता कि चार वाक्य में आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, लेकिन चार वाक्य में आपको अनुमान हो जाएगा कि इस विषय के बारे में आप कुछ जानते हैं या नहीं जानते। यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ कई भाई लोग हैं, कई बहनें हैं, पीछे कई भाई हैं जो इन बातों को स्पष्टतया साफ साफ आपको समझाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन लोगों से ये बातें पूछिए, जानिए, इस नए जीवन को पाइए, उसके बाद इस हॉल को छोड़कर जाए। प्रभु ने हमको आज इस तरह से जो अनोखा अवसर दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आज जो तीन बातें हमने प्रभु के वचन से देखी उनको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके नया जीवन पाया है। उन लोगों से प्रभु का वचन दो बातें याद दिलाता है। नंबर वन, बाहरी दिखावा नहीं, प्रभु चाहते हैं अंदरूनी रियलिटी। पत्ते नहीं, फल प्रभु चाहते हैं। और यदि नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, दिखावा ही दिखावा है, तो प्रभु अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और प्रभु जब इस तरह की कार्यवाही करते हैं तो सजा बहुत कड़ी होगी। वो पेड़ ऊपर से लेकर जड़ तक सूख गया और वो मंदिर जहां पर लोग लूट रहे थे उस मंदिर को एक गैर यहूदी ने आके ऐसा खंडहर किया कि एक पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं बचा। 2000 सालों में आज तक वो मंदिर फिर नहीं बनाया जा सका। आपको मालूम है क्या, यहूदी लोग 1947 से अपने देश में वापस पहुंच रहे हैं। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन गया है वो, सबसे ज्यादा पैसा है उनके पास। इवन 125 करोड़ की जनसंख्या वाला हिंदुस्तान उनसे हथियार खरीदता है, वो देश इतना शक्तिशाली बन गया है। लेकिन वो मंदिर जो 70 ईस्वी में नाश किया गया था वो दोबारा नहीं बनाया जा सका। क्यों? इसलिए कि प्रभु ने उनको जो सजा दी है वो सजा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। भाइयों बहनों, बाहरी दिखावा नहीं, अंदरूनी रियलिटी होनी चाहिए, नहीं तो प्रभु की सजा निश्चित है। तीसरी बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसे हवा में ना उड़ाएं, इसको गंभीरता से लें।
हमसे पूछें, समझें और इस नए जीवन को पाएं। इसको प्राप्त करने के लिए प्रभु आप में से हर व्यक्ति की मदद करें। जय मसीह की। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पाप के लिए उधार दे दे मसीह। हमारे पिता सबसे अधिक प्यार करता है हम उसके चरण में आए और मुक्तिदाता के रूप में हम अगर ग्रहण करते हैं तो सारे हमारे पाप अपराध क्षमा करें। पिता अपने बच्चे को कोई चीज कमी नहीं होने देता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के यानी उनको करुणा को हम समझें तो हमारे अबा पिता किसी प्रकार के तकलीफ नहीं देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे महान परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी, जो आपके दासों के द्वारा प्रभु इतने सुंदर सुंदर वचन सुनने को मिला प्रभु, हम आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जो हृदय में ये वचन द्वारा प्रभु हमें प्रवेश कर ताकि उस अंजीर के तरह नहीं प्रभु हम फलदायक बने प्रभु जी। हे सर्वशक्तिमान, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपको मुक्ति तथा रूप में हम ग्रहण करते हैं प्रभु जी, कि आपके जैसा कोई नहीं है जो हमें बचाता है। पिता परमेश्वर, हमारे 24 घंटा हमारे साथ रहते हो प्रभु जी, हमारे हर समय रास्ते में या हम कहीं भी घूमने जाते हैं जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे साथ रहते हो। हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हे महान सर्वशक्तिमान, धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सुनो कबूल कर, आमीन। जय मसीह।